क्षतिग्रस्त सड़क पर अस्थायी पुल बनाकर प्रोफेसर धनंजय सिंह ने यातायात सुचारू कराया। सारण तरैया प्रखंड के नेवाड़ी से इसुआपुर जाने वाली मुख्य सड़क बाढ़ के पानी की तेज कटाव के कारण गोविंदापुर में क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। पानी के तेज कटाव के कारण आने जाने वाले लोग काफी परेशानियों से गुजर रहे थे। पानी के तेज धार में बह जा रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने परेशानी की सूचना भावी विधायक प्रत्याशी प्रोफेसर धनंजय सिंह को दिया। प्रोफेसर ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया एवं स्थानीय स्तर उपलब्ध लोहे की प्लेट, एंगल, पाइप सहित एवं दर्जनों मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद से उक्त जगह पर एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका एवं पैदल, साइकिल एवं दोपहिया वाहन उस रास्ते से गुजरने लगे। प्रोफेसर द्वारा अपने निजी कोष से पुल का निर्माण करके लोगों को हो रही परेशानी दूर करने पर स्थानीय लोगों ने उनके इस नेक कार्य के लिए प्रशंसा करते हुए हृदय से धन्यवाद दिया। मैं धनंजय कुमार सिंह, आज गोविंदा, यहाँ के लोगों की समस्या यह है कि लगातार आज 15 दिन से मोटरसाइकिल पैदल वाले औरत और मर्द दोनों दहदह के चल जाते हैं, पानी पी लेते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का मैं बहुत बड़ी आभार हूँ, व्यक्त करता हूँ, ताकि इन लोगों ने अपना सब काम छोड़ करके आवागमन चालू हो जाने पर राहत की सांस लिया। उसके बाद तनया क्षेत्र के एक एक घर जाकर लोगों से मिले और अपने आप को विधायक प्रत्याशी बताते हुए लोगों से परिचय प्राप्त किया। उसके बाद तनया मार्केट होते हुए रोड शो करते हुए देवी स्थान में माथा टेके, उसके बाद रामबाग घंटी बाबा के दरबार में दर्जनों समर्थकों के साथ दर्शन भी किए। न्यूज फोर बिहार के लिए चंदन कुमार चंचल की रिपोर्ट, तनया सारण। खराब है कि पैदल चलने में आदमी दर्द जा रहा है, इसलिए हम लोग आकर के मैं यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए ग्रामीण लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि इन लोगों के सहयोग से आज हम लोग ने एक अस्थायी रास्ते का निर्माण किए, जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल पैदल आदमी इत्मीनान से इसुआपुर से नेवारी, तरैया, पटना इत्यादि लोग जा सकते हैं।